दोस्तों जितने भी एंड्रॉयड फोन है सभी फोन में गूगल फोटोज ऐप दिया होता है और हर कोई आज के समय में इसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गूगल फोटोज ऐप के अंदर एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा हिडन फीचर है जिसे अगर आप यहां पर ऑन कर देते हैं, इसके अंदर ऑन कर देते हैं, तो आप अपने फोन से 10 साल पुराने डिलीट हुए फोटोज को भी रिकवर कर सकते हैं, वापिस ला सकते हैं। यानी कि 10 साल पुराने डिलीट हुए फोटोज को आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ 10 साल, कितने भी साल पुराने डिलीट हुए फोटो क्यों ना हो, आसानी से दोस्तों आप उसे गूगल फोटोज की मदद से रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसके अंदर एक हिडन फीचर को ऑन करना होगा। अब बहुत से लोग दोस्तों यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर वह हिडन फीचर कौन सा है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको खुद लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है और कैसे आप उसे ऑन करेंगे, कैसे फोटोज को रिकवर करेंगे। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको गूगल फोटोज के उस हिडन फीचर के बारे में बता देता हूं जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर ऑन कर देते हैं तो कितने भी साल पुराने डिलीट हुए फोटो क्यों ना हो आपके फोन का, उसे आप आसानी से रिकवर कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो भी रिकवर कर सकते हैं, फोन फॉर्मेट हो जाता है तो भी आसानी से आप रिकवर कर पाएंगे, समझ लो काफी जगह पर आपको ये काम आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन का ये जो गूगल फोटोज ऐप है इसे आपको ओपन कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गूगल फोटोज ऐप को ओपन करने के बाद यहां पर आपका प्रोफाइल दिया है, आपका प्रोफाइल देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फोटोज सेटिंग देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों फोटोज के जितने भी, यानी कि फोटोज ऐप के जितने भी सेटिंग है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो यहां पर सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है बैकअप करके, आप देख सकते हैं इसी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले आपको इस हिडन फीचर को यहां से ऑन करना है, जैसा कि आप देख लीजिए। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे तो यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता है, अभी आपको कुछ और हिडन सेटिंग करना है तभी आसानी से दोस्तों आप 10 साल पुराने डिलीट हुए फोटोज को रिकवर कर पाएंगे, वो भी ओरिजिनल क्वालिटी में। सुना आपने, ओरिजिनल क्वालिटी में, नहीं तो ऐसे जो फोटोज आप रिकवर करेंगे उसकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वीडियो को पहले पूरा देखो, पूरा समझो, उसके बाद दोस्तों आप देखना कि कितनी कमाल की ये फीचर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर जो टोटल स्पेस मिलता है यानी कि फ्री में जो स्टोरेज मिलता है वो 15 GB का मिलता है, यानी कि 15 GB तक यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो सेव होगा, 15 GB तक आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से हमारा 4.2 GB यूज़ भी हो गया है। कितना यूज़ होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अगला जो सेटिंग है वो इसके नीचे आपको मिल जाता है जिसमें बैकअप क्वालिटी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में अगर फोटोज़ की क्वालिटी सही नहीं होगा तो उसे रिकवर करके कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको बैकअप क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर तीन क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, ओरिजिनल क्वालिटी, उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज सेवर, और एक है दोस्तों एक्सप्रेस, आप देख सकते हैं। तो ये कई कई फ़ोन में क्या होता है, एक्सप्रेस पर सेट होता है, जिसमें दोस्तों आपको लोएस्ट रिजोल्यूशन मिलता है, मतलब कि जो सबसे बेकार क्वालिटी होती है वो मिलता है फोटोज़ का जब आप उसे रिकवर करते हैं। तो उसे हटाकर दोस्तों आपको क्या कर देना है, ओरिजिनल पर सेलेक्ट कर देना है, ओरिजिनल क्वालिटी पर आपको इसे सेलेक्ट करके रखना है ताकि जो फोटोज़ हो या फिर कोई वीडियो है वो आपको ओरिजिनल क्वालिटी में मिले, समझ गए। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का सेटिंग है दोस्तों वो ये है आपके फ़ोन का यहाँ पर जो इंटरनेट है, क्योंकि इस फीचर के लिए दोस्तों यूज़ होता है इंटरनेट। मान लीजिए आपके फ़ोन में 1 GB डाटा आपको मिला है और आप अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपके फ़ोन का पूरा 1 GB खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ लो। तो इसीलिए ये सेटिंग करना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों सेटिंग क्या करना है, मोबाइल डाटा यूजेस, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं 4.2 GB का यहाँ पर, मतलब कि हमारा फोटोज अपलोड हो गया है। हो सकता है आपके फ़ोन में स्लो इंटरनेट हो तो यहाँ पर कम अपलोड हो सकता है, या फिर हो सकता है ज़्यादा भी अपलोड हो। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ये जो मोबाइल डाटा यूजेस है इसके ऊपर क्लिक करना है और ये दोस्तों आपका अनलिमिटेड पर सेट होगा, यानी कि कितना भी मोबाइल डाटा को ये यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करके रखना है, इससे आपको क्या करना है, पर डे 30 MB पर सेट करके रखना है, यानी कि एक दिन में दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 30 MB की जो फोटोज़ होती हैं उसे ही यहाँ पर सेव करेगा, समझ रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको वाईफाई मिल जाएगा
तो SMS ज्यादा भी कर सकता है, समझ लो। लेकिन मोबाइल डाटा में सिर्फ 30 MB यूज होगा, तो इसे आपको यहाँ पर सेटअप कर लेना है। नहीं तो भाई कई लोग कमेंट करेंगे कि ये सेटिंग ऑन करने से हमारे फोन का पूरा इंटरनेट खत्म हो जा रहा है, तो इसीलिए ये सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में फोर्थ सेटिंग दिया हुआ है, जो कि है बैकअप डिवाइस एंड फोल्डर्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको सभी फोल्डर्स को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फोल्डर्स की आपकी फोटोज हैं या फिर वीडियोज हैं उन सबको यहाँ पर आपको ऑन कर देना है, ताकि जो सभी फोटोज है वो आपका यहाँ पर सेव हो। यानी कि अगर डिलीट हो जाए तो उसे आसानी से आप जो है रिकवर कर पाए, समझ लो। तो आपको यहाँ पर इन सभी को ऑन कर देना है, लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने इसे जो है ऑन कर दिया सबका, तो आपको बिना सोचे समझे ये सबका ऑन कर देना है, ताकि सभी फोल्डर्स की या फिर सभी फाइल्स की जो फोटोज़ है वो आपका यहाँ पर स्टोर हो जाए, सेव हो जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर बाय मिस्टेक आप डिलीट कर देते हैं तो उसे आसानी से आप रिकवर कर पाए, समझ लो। तो इसे आपको यहाँ पर सब सेलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है होम पेज पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग था उसे कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमने तो सब कुछ कर लिया है, तो कैसे हम 10 साल पुराने डिलीट हुए फोटोज को रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो हिडन फीचर को ऑन किया है, यानी कि जो बैकअप को हमने ऑन किया है, ये एक ऐसा हिडन फीचर है जो कि दोस्तों आपके फोन के अंदर जितनी भी फोटोज होंगी उसे अपने मीन्स फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर, ये जो 15 GB का स्टोरेज मिला है ना, यहाँ पर सेव कर देता है, जिससे यहाँ पर जो फोटोज वीडियोज हैं उसे अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो उसे दोस्तों आसानी से आप अपने ये जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर दिया है, इसी ईमेल आईडी द्वारा आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। चाहे 10 साल पुरानी हो जाए, 5 साल पुरानी हो जाए, 1 साल पुरानी हो जाए, 2 साल पुरानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल से ऊपर तक की भी जो फोटोज हैं या वीडियोज हैं उसे भी आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 10 साल पुरानी आपकी फोटोज है, ठीक है, बाय मिस्टेक आपने यहां से डिलीट कर दिया, हर जगह से वो डिलीट हो गया आपके फोन से, लेकिन वो यहां पर आपका सेव था इस वाले स्टोरेज के अंदर, यहां पर आपके ईमेल आईडी पर ये सेव था, तो इसे आसानी से आप यहां से रिकवर कर पाएंगे। जैसे आप ये अपना जो ईमेल आईडी है इसे किसी भी फोन में लॉगिन करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो फोटो है वो यहां पर शो हो जाएगा। लाइक आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये जो फोटो है दोस्तों आपको पता है ये कब की है, यहां पे मैं आवाज को कम कर देता हूं। ये फोटो है दोस्तों केदारनाथ में गया था 2020 में और ये चल रहा है 2023, यानी कि 3 साल दोस्तों, 3 साल पुरानी फोटो है ये, आप जो यहां पर देख रहे हैं, देख रहे हो भोले बाबा का, ये 3 साल पुरानी फोटो है। यहां पर डेट आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर 2020, देख रहे हो 19 अक्टूबर 2020 की ये फोटो है। ये यहाँ पे मैं गया था जब 2020 में केदारनाथ, तब की सारी यहाँ पर फोटोज हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों कितनी भी साल पुरानी डिलीट हुई फोटोज क्यों ना हो, उसे आप यहाँ से रिकवर कर पाएंगे अगर आप इस हिडन फीचर को ऑन करके रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ, कई लोग ये सोचेंगे कि इस सेटिंग को ऑन करने से हमारे फोन से जो पहले ही फोटो डिलीट हो गई है उसे रिकवर कर सकते हैं या फिर नहीं, तो गाइस ऐसा नहीं है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जो फोटोज आप डिलीट करेंगे या फिर आपसे गलती से डिलीट होगा उसे आसानी से आप रिकवर कर पाएंगे, जो आपने पहले ही कर दिया है उसे आप रिकवर नहीं कर सकते, समझ गए। और यहां पर दोस्तों एक चीज दिया है कि अगर आप मान लीजिए गलती से फोटोज डिलीट किए हैं और आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो यहां पर एक बिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से दोस्तों आप आसानी से 30 दिन के अंदर, यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ से फोटो डिलीट किया है और 30 दिन नहीं हुआ है, 30 दिन के अंदर ही आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सब कुछ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिसे जिसे भी आप रिकवर करना चाहते हैं, जैसे कि ये सब वीडियोज़ आप देख सकते हैं मैंने पहले डिलीट किया था और यहाँ पर ये है, तो इसे रिस्टोर के ऊपर क्लिक करके हम वापस से जो है रिस्टोर कर सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ट्रिक काम करता है, ये 101% दोस्तों काम करता है, आप अपने फ़ोन में ऑन करके खुद देख लीजिए। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।